मैं ये मे भी थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाए क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो आखिरी वाइवा होता है वो उसमें आपका फेल पास वाला रोला कोई नहीं होता, लेकिन इसमें आपका ये होता है कि आपके 25% जो मार्क्स होते हैं वो आपके इस वाइवा के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं। मसला ये कि मैं आप लोगों को कहता था कि अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके मतलब 4 out of 4 CGPA भी आता है, और वो क्यों आता है, एक तो आपके बाकी के वाइवा डिपेंड करते हैं और अक्सर आपका ये जो रहता है वाइवा ये वाला, इस पे भी आपका बहुत सारा जो है ना वो काम होता है। मतलब मैं जो क्वेश्चन होता है ये सारा थ्योरी ही है, इसमें कोई आपका प्रैक्टिकल नहीं है, कोई कोड नहीं है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो आपके लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके अच्छे मार्क्स के लिए। तो इसलिए आपने इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, लेकिन तैयारी ज़रूर करनी है, और तैयारी भी इतनी कोई नहीं है। आप इसमें मैक्सिमम आपका अगर 1 घंटा या 2 घंटे दें तो मेरे ख्याल आपका इस वाइवा की तैयारी हो जाएगी, और आपका ये वाला वाइवा जो मेरा अंदाज़ा है मे भी आपका नेक्स्ट जो आपका मंथ आ रहा है उसके 1st वीक में यकीनन आ जाएगा। हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, कभी कभार ऐसे होता है कि मिड टर्म के बाद लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर 90% चांसेस यही होते हैं कि आपका ये जो मिड टर्म आ रहा है इससे पहले पहले ये वाइवा लेके आपके प्रोजेक्ट की वर्किंग क्लोज कर दी जाती है। तो अब हम सबसे पहले इसमें यही काम करेंगे कि आपने वाइवा देना कैसे है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट के जहन में ये भी होता है कि हमने वाइवा इसके अंदर पहली बात ये है कि आपके 3 सुपरवाइज़र होते हैं। मतलब ये कि वैसे आपने जितने भी वाइवा दिए हैं टेस्ट फेज का दिया है दूसरा, उसमें सिर्फ आपका एक ही सुपरवाइज़र होता है जो आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र है, लेकिन इसमें अब आपके 3 सुपरवाइज़र होते हैं, और मतलब 2 एक्सटर्नल होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से मतलब ये कि अगर आपने एंड्रॉयड का रखा है तो एंड्रॉयड का एक्सपर्ट होगा, ठीक है, और एक आपका जो होता है वो आपका दूसरा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, मसलन कि अगर आपने डेटाबेस का वो स्पेशलिस्ट होगा या कुछ इस तरह का, और एक आपका अपना सुपरवाइज़र होता है। क्वेश्चन जो आपसे पूछता है सिर्फ एक सुपरवाइज़र ही पूछता है, आपका अपना सुपरवाइज़र नहीं बल्कि दूसरा सुपरवाइज़र। अब आपने जो वाइवा देना है तो वाइवा में आपके पास सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, वो आपकी है, आप सबको मैंने सेंड की थी एक डॉक्यूमेंट। मतलब जब मैंने आपको फाइनल डिलीवरेबल सेंड किया, एक विनरार की फाइल थी, उसके अंदर आपने देखा होगा, कुछ लोग खैर देखने की जहमत नहीं करते, लेकिन अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उस विनरार फाइल के अंदर जो आपने सबमिट की है एक आपका कोड पड़ा हुआ होगा और एक आपका फोल्डर या विदाउट फोल्डर आपकी एक फाइल पड़ी होगी जिसका नाम लिखा हुआ होगा प्रेजेंटेशन या फाइनल प्रेजेंटेशन, और एक आपकी उसके अंदर वर्ड की फाइल होती है जिसे बोला जाता है फाइनल रिपोर्ट। ये 2 चीज़ें हैं, इन 2 चीज़ों के अंदर से आपका वाइवा होता है। फाइनल रिपोर्ट को तो खैर वो फिर भी ओपन नहीं करवाते, आपका असल जो होता है वो आपकी प्रेजेंटेशन ही होती है। फाइनल रिपोर्ट पे कोई 2-4-5% चांसेस होते हैं कि आपको कहते हैं अच्छा फाइनल रिपोर्ट ओपन करो, अदरवाइज पूछते कोई नहीं है उसके बारे में, लेकिन आपकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है आपके हर एक के फाइनल डिलीवरेबल के अंदर वो पड़ी हुई है। अगर आप लोगों के पास आपका फाइनल डिलीवरेबल नहीं है तो आप बेशक अपने LMS से डाउनलोड कर लें, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो उसमें अब आपका फाइनल डिलीवरेबल जो है उसके अंदर ये प्रेजेंटेशन पड़ी है, उस प्रेजेंटेशन के अंदर है क्या, इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो आपने SRS से स्टार्ट किया था और एंड तक वो सारा इसी प्रेजेंटेशन के अंदर है। लेकिन आपका होता क्या है कि मैक्सिमम आपकी मतलब SRS के अंदर आपने देखा होगा आपकी 2-3 डायग्राम्स आती हैं, जो आपकी सबसे मेन डायग्राम होती है यूज़ केस डायग्राम होती है, फिर आपके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी बहुत सारी डायग्राम्स आती हैं वो सारी डायग्राम्स, फिर आपका जो आखिरी जो प्रोजेक्ट बनता है जो उसकी आउटपुट होती है या स्क्रीन शॉट्स कह लें यूज़र इंटरफेस के, वो सारे इसके अंदर होते हैं और इसमें कुछ भी नहीं होता। अब प्रेजेंटेशन आपने देनी कैसे है, वो आपको जब कहेगा सुपरवाइज़र कि आप स्टार्ट करें तो आपने एज इट, जैसे आप मैं बोलूँगा एज इट, आपने यही वर्ड बोल देने उसे। मतलब ये कि ज़रूरी नहीं कि यही वर्ड हो, बेशक थोड़े बहुत आगे पीछे कर लें, लेकिन आपका बिहेवियर या जो प्रेजेंट करने का तरीकाकार है वो सेम यही होना चाहिए। अब वो तरीकाकार आपका क्या है, वो तरीकाकार ये ऐसे है जैसे अब मैं कहने लगा हूँ कि अब वो सुपरवाइज़र आपको कहता है कि जी आप स्टार्ट करें, तो आपने कहना है जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा प्रोजेक्ट जो था पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम था या जो भी आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, और मेरा नाम जो है
आपका जो भी नाम है वो आपने बोलना है, उसके बाद आपका ये एक प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन आता है जो मैंने नहीं लिखा, इसमें आपने कहना है ये मेरे एक प्रोजेक्ट का जो है ना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ी थोड़ी देर इस स्लाइडों पे रुकना है, ये नहीं कि आपने यहाँ पे रुक ही जाना है, थोड़ी देर ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड 10 सेकंड इतना रुक के आपने फिर अगली स्लाइड पे आना है कि ये मेरा टीम स्ट्रक्चर है। अगर आप अकेले हो तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिर्फ आपका नाम और आईडी होगा, और अगर आपने ग्रुप में बनाया तो दोनों पार्टनर्स का होगा, तो ये आपने टीम स्ट्रक्चर दिखाना है। फिर इसी के बाद आपने ये मेरी वीयू प्रोसेस मॉडल है, ठीक है, मतलब आपने ये चीज़ें दिखाते दे जाना है, और 10-15 सेकंड इन पे सिर्फ रुकना है, बाकी ज़्यादा देर नहीं रुकना। हाँ, अगर सुपरवाइजर आपको खुद रोक के क्वेश्चन करता है तो उसका जवाब दें, अदरवाइज आपने कुछ नहीं करना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एकरा माइक ऑफ कर दो। अब इसमें आप एक चीज़ याद रखना कि प्रेजेंटेशन इतनी जल्दी भी नहीं देनी कि आपका जो है ना आप 1 मिनट में अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म कर दो और बाकी का जो टाइम बचे वो आप पे सारे क्वेश्चन पे गुजार दें, क्योंकि जितनी जल्दी आप प्रेजेंटेशन ख़त्म कर लोगे वो आपसे इतने ज़्यादा ही क्वेश्चन करेगा। इसलिए थोड़ा सा आपने इस तरीके से रखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म होने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगे उसमें, इसलिए हर स्लाइड पे 10-15 सेकेंड आपने रुकना है। फिर उसके बाद आपने उसे दिखाना है कि सर ये मेरी यूज़ केस डायग्राम है, ये इसका एक प्रोजेक्ट कैटलॉग है जिसमें रिक्वायरमेंट लिखी जाती है, ये दिखाने दिखाओ या ना दिखाओ इसका इशू कोई नहीं है। फिर आपके ये मेरी आर्किटेक्चर डायग्राम है, ये सर मेरा जो है प्रोजेक्ट स्केड्यूल था, ठीक है, जैसे वर्क प्लान बोला जाता है, और ये मेरी जो है वो सीक्वेंस डायग्राम्स हैं इस प्रोजेक्ट की। तो हर डायग्राम के ऊपर थोड़ी थोड़ी देर आपने 5-10 सेकंड इनके ऊपर रोकना है और आगे चलते जाना है। फिर सर ये मेरी क्लास डायग्राम है, ये मेरी ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, ये डेटाबेस डायग्राम है। अब ये हर बंदे की अलग अलग होंगी, ठीक है, तो ये मेरा सर इस एप्लीकेशन का या प्रोजेक्ट जो भी आपका वेब एप्लीकेशन है जो भी है ये उसका मेरा आउटपुट है, और सर ये मैंने इसमें टूल यूज़ किए हैं। जब यहाँ तक आओगे आपने यहाँ पे आप चुप कर जाना, आप सुपरवाइजर की बारी है कि वो आपसे क्वेश्चन करेगा। बाय द वे सुपरवाइजर आप स्लाइड दिखा रहे होते हैं तो वो उसके दरमियान ही आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, अगर दरमियान में कर दे तो आपने तब जवाब देना, ना करे तो आपने वन बाई वन स्लाइड को दिखाते जाना है, आराम आराम से आपने उसे अगली अगली स्लाइड पर चलते जाना है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपकी ये जो स्लाइड है पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ख़त्म होने में अगर ज़्यादा नहीं कम से कम 2-3-4 मिनट लाजमी लगे इस पर। अब आपके ये तो हो गए, अब आपसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन आपसे इसमें जो जितनी भी आपकी डायग्राम्स हैं उन्हीं के अंदर से ही किए जाते हैं, और हर स्टूडेंट से सेम क्वेश्चन होते हैं। ये भी नहीं कि अब अगर एंड्रॉयड का स्टूडेंट है तो उससे कोई और क्वेश्चन होगा, नहीं, जो चाहे एंड्रॉयड का स्टूडेंट है चाहे वेब का स्टूडेंट है जो भी स्टूडेंट है उसका आपसे क्वेश्चन जो है 100% सेम ही होंगे। हाँ, ये होता है किसी से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं किसी से कम होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपसे क्वेश्चन जो किए जाते हैं वो तकरीबन तकरीबन आपके सेम होते हैं, मतलब कि उनका पैटर्न जो है आपका वो तकरीबन सेम होता है, ये नहीं होता कि उससे हट के आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाए। अब सबसे पहले जो आपके पास अस्सलाम वालेकुम, स्क्रीन तो नहीं आ रही सामने, कॉल डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें आ जाएगी, आपका नेट का इशू है। तो अब आपके पास सबसे पहले जो आता है वीयू प्रोसेस मॉडल है, या सुपरवाइजर आपको कह सकता है कि चलो फलां डायग्राम मुझे ओपन करके दिखाओ, जो वो कहे उस पर चले जाओ, अगर नहीं तो वो आपसे कहेगा कि चलो इस डायग्राम पे आ जाओ मुझे ये दिखाओ। अब मैं जैसे कि सबसे पहले आपके पास मैंने वीयू प्रोसेस मॉडल रखा है, वीयू प्रोसेस मॉडल के अंदर से सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, और वो कौन सा होता है कि आपने वीयू प्रोसेस मॉडल क्यों यूज़ किया। तो आपने सिंपल एक बात कहनी है, क्योंकि सर मैंने इसलिए यूज़ किया कि ये यूनिवर्सिटी का अपना रिकमेंडेड मॉडल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इसको खुद रिकमेंड करती है। और दूसरा इसका आंसर ये है कि सर इसकी एक वजह ये भी है कि ये वाटरफॉल और स्पायरल मॉडल का कॉम्बिनेशन है। ये आपका सिर्फ एक आंसर होना चाहिए कि सर ये वीयू का अपना रिकमेंडेड मॉडल है, और दूसरा ये वाटरफॉल और स्पायरल मॉडल का कम्बिनेशन है, इसलिए ये मैंने यूज़ किया, बस दैट्स इट। इसके अंदर से आपसे और कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये हर बंदे का अलग अलग होगा किसी का क्या है, लेकिन होगा यही बनाने का तरीका अलग है, तो आपसे इसके अंदर से और कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आपकी अगली आ जाती है आर्किटेक्चर डायग्राम। अब आर्किटेक्चर डायग्राम के अंदर से तकरीबन 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपसे। अब वो क्वेश्चन क्या होते हैं,
आपका ये वाइवा तकरीबन आपका 35 से 40 मिनट का हो सकता है, बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, बाज़ दफ़ा किस्मत अच्छी हो तो कम टाइम लगता है, लेकिन इतना कम नहीं लगता। अब आर्किटेक्चर डायग्राम के अंदर से आपसे 3 क्वेश्चन किए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने ये जो डायग्राम बनाई है इसके टीयर्स कितने हैं। अब वो टीयर्स आप यहाँ से देखोगे, जैसे कि देखो आपका एक ये डिब्बा बना है प्रेजेंटेशन लेयर, एक आपका ये डब्बा बनना है एप्लीकेशन लेयर, एक आपका ये डब्बा बनना है डाटा लेयर। इन तीन डब्बे, अगर तीन डब्बे हैं तो 3 टायर्स, अगर 4 हैं तो 4 टायर्स, लेकिन तकरीबन सबके मैंने 3 ही बनाए हैं। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो आपका अगला होता है कि आप मुझे बताओ कि प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर क्या होता है या प्रेजेंटेशन लेयर होती क्या है। आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर प्रेजेंटेशन लेयर जो होती है ये एप्लीकेशन का फ्रंट एंड होता है, ठीक है ना, एप्लीकेशन का फ्रंट एंड होता है। और इसके अंदर वो आपसे अगर पूछे तो आपने कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की हैं, मतलब फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड बनाने में, देखो अगर आपका एंड्रॉयड है तो आपका यूज़ हुआ है XML, आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर जहाँ भी लेआउट दी है वहाँ पे डायग्राम दिए उसके साथ मैंने लैंग्वेज लिखी हुई है। अगर आपका एंड्रॉयड का है तो XML, और अगर आपका वेब का है, ठीक है, वेब का कौन सा है, अगर PHP का है तो फिर आपकी HTML, CSS, Bootstrap, और अगर आपका C# का है तो फिर आपकी HTML, CSS, Bootstrap और आपकी ASP.NET, ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर में यूज हुई है। अब आपके दूसरा क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है। अब ये किसी का एप्लीकेशन लेयर लिखा होगा, किसी का बिजनेस लॉजिक या बिजनेस लेयर लिखा होगा, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ये आगे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। आपने इसका शॉर्ट में जवाब यही देना है कि सर ये मेरी बैकएंड है, जो हमारी कमांड्स आती हैं, यूज़र जो कमांड देता है उसको ये कंट्रोल करता है। सिंपल सा जवाब, बाकी इंग्लिश में डेफिनेशन ये सामने लिखी हुई है। तीसरा आपका क्वेश्चन होता है कि डाटा लेयर क्या होती है। आपकी डाटा लेयर जो होती है ये आपकी सिर्फ जो आप यूज़र एक इंस्ट्रक्शन देता है और एप्लीकेशन जो आगे उसको फॉरवर्ड करती है। मिसाल के तौर पे कि अगर यूज़र ने इंस्ट्रक्शन दी कि कोई डाटा एंटर किया, डाटा एंटर करने के बाद उसने सेव पे या रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, तो अब जो उस एप्लीकेशन ने उसको कमांड दी है वो क्या करेगा, उस डाटा को ले के डाटा लेयर को देगा, तो डाटा लेयर वो वाला डाटा सारा उठा के डाटा बेस के अंदर सेव कर देगा। मतलब ये कि डेटा लेयर आपकी डेटा बेस और आपकी एप्लीकेशन लेयर के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। ये इस डेटा वहाँ से एप्लीकेशन से ले के डेटा बेस को दे देती है या डेटा बेस से ले के एप्लीकेशन को दे देती है, ठीक है। तो ये आपकी डेटा लेयर होती है। अब आपके आर्किटेक्चर डायग्राम के अंदर से यही 3 क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, एप्लीकेशन लेयर क्या है और डेटा लेयर क्या है। अब आपकी आती है यूज़ केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम के अंदर से 5-6 क्वेश्चंस होते हैं। अब कभी कभार वो स्टूडेंट से सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभार सारे नहीं पूछता, बस 1-2 क्वेश्चन पूछ के कहता है आगे चलो। वो स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितने कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सुपरवाइजर्स को पता होता है। अब सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है ये आपकी यूज केस डायग्राम है। यूज केस डायग्राम के अंदर से सबसे पहला जो क्वेश्चन किया जाता है, या आगे पीछे हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वही पहला हो, आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, मतलब ये रेक्टेंगल जिसके अंदर ये सारा बना हुआ है, ये देखो ना, यूज़र और सिस्टम ये दो इसके बाहर है लेकिन इसके अंदर ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है। चलो इसका कलर भी मैंने किया हुआ ग्रे, किसी का कलर होगा किसी का नहीं होगा। आपसे ये पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये आपकी होती है सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। इस पूरी रेक्टेंगल के अंदर मतलब आपका पूरा सिस्टम इसके अंदर है, यूज़र बाहर बैठे हैं, ये सिस्टम बाउंड्री कहलाती है। अब आपसे अगला जो क्वेश्चन होता है, ये जो आपको सर्कल में या ओवल में नज़र आ रहे हैं, इनसे पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये जितने भी आपके हैं ये क्या होते हैं, तो ये आपका कहलाता है यूज़ केस, ठीक है ना, ये आपका यूज़ केस है। उसके बाद अगला जो आपसे क्वेश्चन है, ये जो लाइन आ रही है, या आपसे अगला जी कि ये जो एक्टर है, मतलब इसको एक्टर बोला जाता है, ये जो आपका यूज़र है, सिस्टम है, किसी का यहाँ पर यूज़र होगा, किसी का यहाँ पे पैसेंजर होगा, किसी के यहाँ पे ड्राइवर होगा, किसी का टीचर होगा, किसी का एडमिन होगा, किसी का क्या होगा, जो भी है, तो वो 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी एक्टर्स हैं ये इस बाउंड्री के बाहर होते हैं, जो भी, इनको एक्टर्स बोला जाता है। अगर वो आपसे पूछे ये क्या है, तो आपने सिंपल जवाब देना सर ये एक्टर्स है, यूज़र का लफ्ज़ नहीं देना, एक्टर्स।
तो अब अगली चीज़ कि आपकी ये जो एक लाइन है, ये जो इस एक्टर से इस यूज केस तक आ रही है, इसको क्या बोला जाता है? तो ये आपकी एसोसिएशन लिंक होता है, या एसोसिएशन लाइन आप कह सकते हो, सिर्फ एसोसिएशन बोल सकते हो। अब आपके पास इसके अगली जो चीज़ आती है वो आपको, ये देखो एक एरो नज़र आ रहे हैं, ये अब किसी का होगा किसी का नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम का है ये डॉटेड एरो। इसमें किसी का इंक्लूड लिखा होगा, किसी जगह पे एक्सक्लूड लिखा होगा, या एक्सटेंड लिखा होगा। तो ये क्या होता है? इसको सबसे पहले तो आप बोलते क्या हो कि आपसे वो पूछे वो ये है क्या, तो ये होता है यूज़ केस रिलेशनशिप। मतलब ये कि इन यूज़ केस का आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये हम बताते हैं। तो तीन किस्म के रिलेशनशिप होते हैं, एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड होता है, और आपका ये एक्सटेंड का होता है। मैक्सिमम एक्सटेंड और इंक्लूड यूज़ किया जाता है। आप इंक्लूड, वैसे इनकी डेफिनेशन जो मैंने अगली स्लाइड में लिखी हुई है, ठीक है ना, और ये आपका जनरलाइजेशन का भी होता है, तीसरा ये मैं भूल गया, एक्सटेंड और ये आपका एक्सक्लूड, ये एक ही चीज़ होते हैं। अब डेफिनेशन, वैसे मैं आपको शॉर्ट ज़बान में बता दूं कि इंक्लूड होता क्या है। इंक्लूड रिलेशनशिप में एक यूज़ केस 100% दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल, मैं अब आपको कहता हूं कि एक आम रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। अब मैं आपको कहता हूं कि आप बैंक में जाओ, वहां से एटीएम से पैसे निकलवा के ले जाओ। अब यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि बैंक में तो चलो आप चले जाओ, तो एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ट्रांजेक्शन है जो आपने एटीएम से ही करनी है, वो टोटली डिपेंडेंट है आपके कार्ड के ऊपर। अगर कार्ड नहीं है तो एटीएम की ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये है इंक्लूड। या दूसरी एक मिसाल के तौर पे मैं ये भी आपको कह सकता हूँ कि जो जो आपके बैंक से पैसे निकलवाओ, चाहे एटीएम से निकलवाओ, चाहे चेक से निकलवाओ, या जैसे भी निकलवाओ, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपका बैंक में पहले अकाउंट होना ज़रूरी है, उसके बाद होता है कि उस अकाउंट के अंदर पैसे भी होना ज़रूरी है। तो अब ये चीज़ें क्या हैं कि टोटली डिपेंड कर रही हैं उस अकाउंट के ऊपर। तो ये होता है इंक्लूड। अब इसी तरह से आप इस स्लाइड में अगर देखो, ये ऊपर वाली जो हमारी स्लाइड है, इसमें अगर आप देखो यहाँ पे, तो देखो मैंने एक इंक्लूड का जैसे दिया है, मैंने से कहा कि व्यू अलर्ट और जनरेट अलर्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जो जनरेट अलर्ट है, ये इसका एक पेरेंट क्लास है, क्योंकि अलर्ट तो उस वक्त व्यू होगा जब अलर्ट जनरेट होगा, तो अलर्ट अगला यूज़र व्यू करेगा, सिस्टम अलर्ट को जनरेट करेगा तो यूज़र्स को व्यू कर पाएगा ना। जब सिस्टम अलर्ट जनरेट ही नहीं करेगा तो अलर्ट व्यू नहीं हो सकता, इसलिए ये इंक्लूड है। इसी तरह से रिपोर्ट्स की बात भी की हुई है। तो अब आपके पास अगली चीज़ आती है एक्सटेंड। एक्सटेंड आपके पास क्या होता है? ठीक है, एक्सटेंड आपके पास ये होता है कि एक्सटेंड आपके पास ऑप्शनल है। ऑप्शनल ये है कि ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके पास ऑप्शनल चीज़ है। आप मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि चलो जी आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, OLX पे जाओ, या द्राज पे जाओ, वहाँ से कोई चीज़ परचेज करो। अब वहाँ पे आपके पास टोटली ये ऑप्शन मौजूद है कि आप वहाँ से सर्च बार में जाके कोई चीज़ सर्च करते हो, वो परचेज करते हो, या जैसे ही पेज ओपन करते हो जो आपके सामने है उसी को आप उठा लेते हो। आपकी कोई पाबंदी तो नहीं है ना कि ज़रूरी पहले आप वो उठाओ, लाजमी वही क्लास उठाओ, मतलब आपने सर्च ही करो उसको, आपने सर्च करना ज़रूरी नहीं है, मतलब ऑप्शनल है। या दूसरा आपको मेथड दे देता हूँ, रियल टाइम अगर एग्जांपल की बात करते हो तो उसी बैंक को ले लो, मैं आपको कहता हूँ कि जाके पैसे निकलवा के लाओ, तो अब आपके लिए कोई शर्त नहीं है, आप पैसे बेशक जाके एटीएम से निकलवा लो, आपके पास ऑप्शन है कि आप चेक से निकलवा लो, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सटेंड का ऑप्शन है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ से निकलवा रहे हो। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल मैंने एक वही दी हुई है, जैसे कि आप देख लो कि मैंने उसे कहा कि अगर स्टूडेंट के एक मैंने एग्जांपल दी है, तो स्टूडेंट अगर एक बुक को रिक्वेस्ट करता है, वही जो आपको दराज वाली मिसाल दी है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो स्पेसिफिक बुक कोई सर्च कर ले, या जो उसके सामने आती है बस वही है, रिक्वेस्ट कर ले या ऑर्डर कर ले, जो भी है। अब आपके पास तीसरी चीज़ आती है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन भी ये एक ऑप्शनल के तौर पे ही यूज़ करी जाती है, यानी कि आप एक्सटेंड ही समझ लो, ठीक है। अब इसमें ये आपके पास मतलब ऑप्शंस होती हैं, या एक क्लास जो है आपकी वो दूसरे के साथ इनहेरिट होती है। जैसे आप सेल की बात कर लो, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ ब्लड, ब्लड सेल। अब ब्लड सेल है तो ब्लड के दो तरह के सेल होते हैं, वाइट सेल भी होते हैं, रेड सेल भी होते हैं, ठीक है।
इस तरह से आपकी और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब यहाँ पे सर्च की एग्जांपल दी हुई है कि आपने कुछ चीज़ सर्च करी, आप देखो आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है उसमें कहीं पे जो जहाँ पे सर्च हो रही है वहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ रही होंगी किसी ना किसी जगह पे, खास करके मेरा ख्याल है यूज़र्स का, किसी का होगा किसी का नहीं होगा। तो वहाँ पे देखो आपके पास, जैसे आप एक प्रोजेक्ट है मिसाल के तौर पर बुक्स का, पता नहीं अब ऑनलाइन बुक्स है क्या है मुझे नहीं पता, अब वहाँ पर जब आप सर्च करते हो तो वहाँ पर आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होता है, उसमें अब आपके पास ऑप्शन है कि आप उस बुक को बाय नेम सर्च करते हो या राइटर के नाम से सर्च करते हो या फिर आप बुक के कोड के हिसाब से सर्च करते हो, वो आपके पास जनरलाइज है। माइक को ऑफ कर दो, किसका आना है। तो आपने उस सर्च जैसे करना, वो एक जनरलाइजेशन है, एक्सटेंड की तरह ये भी काम करती है। तो मतलब ये इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपसे जो मेन क्वेश्चन किए जाते हैं इसके अंदर से, वो आपसे वही किए जाते हैं कि यूज केस क्या है, सिस्टम बाउंड्री क्या है, मतलब डेफिनेशन सब की आनी चाहिए। हाँ ये आनी चाहिए। अब आपके पास आता है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम जितनी भी आपकी हैं उन सब के अंदर से एक तरह का ही क्वेश्चन होता है। अब किसी की इस तरह की बनी होगी, किसी के थोड़ी सी डिफरेंट बनी होगी, लेकिन प्रॉपर जो आपकी होती है इसी तरह की होती है। अब होती क्या है कि सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो है ये क्या है, तो ये वही पुरानी बात कि आपका एक्टर होता है इसमें। आप यूज़र नहीं कहेंगे, यूज़र तो एक नाम है, ठीक है, कि वो एडमिन है, पैसेंजर है, क्या है, जो भी है, एक्टर बोला जाता है। अब उसके बाद अगला जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो अगला डब्बा है इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले वाला आपका एक्टर, बाकी जितने डिब्बे हैं वो सारे आपके ऑब्जेक्ट हैं। मतलब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये आपका ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस ये आपका ऑब्जेक्ट है, मेन पेज ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी नाम है ये। आपने अगर पूछा ये क्या है, आपने सिंपल कहना है सर ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आपसे जो अगला क्वेश्चन किया जाता है वो इस डॉटेड लाइन का किया जाता है कि ये डॉटेड लाइन क्या है, तो ये आपकी लाइफ लाइन होती है। लाइफ लाइन मतलब कि आपका जो पेज चल रहा है या टास्क चल रहा है वो कितनी देर तक चला, ठीक है ना। तो आपने सिंपल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके कि पीछे लॉजिक क्या होता है, क्योंकि जब आप एक काम करते हो तो उसके पीछे बहुत सारे फंक्शन बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं लेकिन यूज़र को नहीं पता होता, तो उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना, अगर वो आपसे पूछे ये डॉटेड लाइन क्या चीज़ है, तो आपने कहना जी ये लाइफ लाइन है। उसके बाद अगला आपके ये एरो की बात अगर करें, तो ये जो आपका एरो आ रहा है कि ये क्या होता है, एक एरो देखो वहाँ से राइट साइड पर आ रहा है, हर एक डिब्बे में आप देख रहे होगे, जैसे एंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल, वेरीफाइंग इनपुट, एड न्यू यूज़र, रीडायरेक्ट टू मेन पेज, ये जितने भी एरो हैं ये आपके रिक्वेस्ट मैसेज के लाए जाते हैं। रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है ना। अगर वो आपसे पूछे, किसी भी एरो को पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कुछ स्टूडेंट मन देखा बिल्कुल लकीर के फकीर है, मैंने आप इसको हाईलाइट किया तो वो सिर्फ पहले वाले को कहेंगे अच्छा ये रिक्वेस्ट मैसेज है, वो पूछे ये सेकंड वाला क्या है, आप कहें पता नहीं। ये जितने भी आपके फॉरवर्ड एरो हैं ये सारे के सारे रिक्वेस्ट मैसेज हैं। उसके बाद आपका जो एक ये इस टाइप का एरो होता है, ये जो इस तरह से रिवर्स आ रहा है, यू टर्न लिया हुआ, तो ये आपका सेल्फ मैसेज होता है। अब सेल्फ मैसेज मतलब क्या होता है कि आप एक एग्जांपल दे दूं, आपका वो पूछते भी अच्छा सेल्फ मैसेज क्या होता है, सेल्फ मैसेज एक्सप्लेन करें, तो सेल्फ मैसेज ये होता है कि जैसे देखो आपने यूज़र को रजिस्टर किया, आपने वहाँ से डाटा एंटर किया, मतलब ये पहला स्टेप है, आपको नज़र आ रहा होगा कि यूज़र ने डाटा एंटर किया, एंटर करने के बाद उसने सेव बटन के ऊपर जो क्लिक किया, तो अब वो पहले तो एप्लीकेशन आपकी जो आपका सॉफ्टवेयर है वो उसको वैलिडेट करेगा कि इसने कोई फील्ड एम्प्टी तो नहीं किया। ये देखो यहाँ पे भी है वैलिडेट इनपुट, तो ये सेल्फ मैसेज है, मतलब वो एप्लीकेशन अपने आप को एक और मैसेज देगी कि पहले चेक करो कि जो यूज़र ने डाटा एंटर किया वो वैलिड है या नहीं है। अब एप्लीकेशन चेक करती है कि ठीक है कोई फील्ड एम्प्टी नहीं है, सारा यूज़र डाटा ठीक है, अब वो डाटा सेंड कर देती है डेटाबेस को। अब डेटाबेस जब वो डाटा सेव करने लगता है तो डेटाबेस फिर अपने आप को एक मैसेज देता है कि पहले चेक करो कि ये डाटा जो यूज़र ने कॉलम बनाए थे उसके अंदर जो डाटा टाइप्स दी हैं वो उसी के मुताबिक आ रहा है या आगे पीछे है। मतलब अगर आपने देखा होगा, अगर एक कॉलम की टाइप आपने डेटाबेस में इंटीजर सेट की हुई है तो आप उसमें अगर ए बी सी सेव करना चाहो तो वो एरर दे जाता है, तो ये वही सेल्फ मैसेज होता है। अब आपका जब वो डाटा सारा रिस्पॉन्स होता है वो सेव करता है तो आपको वो वापस रिस्पॉन्स देता है, ये जो आपका डॉटेड एरो आ रहा है इसको आप बोलते हो रिस्पॉन्स मैसेज या सिर्फ रिस्पॉन्स कह लो। तो वो रिस्पॉन्स देता है कि आपकी फील्ड जो है वो डाटा जो है ऐड हो गया या नहीं हुआ, जो भी है ये सारा का सारा। लेकिन अब आपका इसमें ये है कि इसमें मैंने एक लूप भी लगाया है, ये आपका जो रेक्टेंगल है ये जिसमें आर्ट लिखा हुआ और ये डब्बा सा बना हुआ है, ये आपका चलो पहले एक्टिवेशन बार को मैंने बना दिया,
ये आपकी जो डब्बा होता है, एक ये डब्बा है ना जो वर्टिकल जितने भी हैं, ठीक है, जितने ये आपकी एक्टिवेशन बार होती है। एक्टिवेशन बार मतलब ये कि देखो यूजर ने पहले इनपुट फील्ड इंटर यूजर ने डाटा एंटर किया, ये आपका पेज उस वक्त तक एक्टिव था, 100% एक्टिव। डाटा बेस ने रिस्पॉन्स किया, डाटा बेस भी इधर से उस वक्त एक्टिव हो गया, पहले एक्टिव नहीं था लेकिन फिर डाटा बेस एक्टिव हो गया। जब डाटा बेस ने इनपुट फील्ड चेक किए, वापस उसने रिस्पॉन्स किया, तो यहाँ तक वो एक्टिव रहता है। ये इस बैकएंड में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे एक समझा रहा हूँ, आपने सिर्फ इनके नाम याद करने हैं कि ये हैं क्या, ठीक है ना। तो बाकी ये वर्किंग कैसे करता है ये आपको नहीं आती, कोई मसला नहीं, ज़रूरत भी नहीं है इसकी। ये नहीं कि इसमें दिमाग खपाना शुरू कर दो, अच्छा पहले डाटा इधर से आएगा या उधर से आएगा, बस सिंपल आप देख के अंदाज़ा लगा लो कि डाटा इधर से आया, यहाँ से इसने कुछ काम किया फिर वापस गया, तो ये। लेकिन आप ये एक्टिवेशन बार आपकी, ठीक है, अब आप इसकी बात में कह रहे थे कि ये आपका लूप होता है, ये किसी का मैंने लूप लगाया किसी का नहीं लगाया। लूप ये होता है कि अगर डाटा वो वैलिड है, मतलब ये कि डाटा जब उस डाटा को चेक करता है कि ठीक है इसने सारा डाटा ओके दिया, तो फिर वो क्या करता है उस यूज़र का डाटा अपने अंदर सेव कर लेता है, फिर उसको मैसेज शो करा देता है कि यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, या वो अगले पेज पे चला जाता है या पिछले पेज पे आ जाता है, जो भी है उसका। और अगर वो वैलिडेट नहीं होता तो आपने देखा होगा, या आप लॉगिन कराते हुए जो भी देखा होगा, वो आपके पास एरर आ जाता है कि इन आईडी और पासवर्ड रॉन्ग है, या डाटा आपने जो इंटर किया है वो सही नहीं है। ये उसका लूप होता है। तो जितनी भी आपकी सीक्वेंस डायग्राम्स हैं उन सब के अंदर से यही क्वेश्चन होगा, चाहे आप लॉगिन वाली खोल लो, चाहे आप डाटा यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली खोल लो, जो भी आपने देखी होंगी, आप हर एक बंदे की सीक्वेंस डायग्राम 5, 7, 10, 12, 14 होती हैं, लेकिन सबके अंदर से मैथ क्वेश्चन यही किया जाता है कि ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्टिकल डॉटेड लाइन क्या होती है, लाइफ लाइन है, ये आपका जो ऐसे रिवर्स एरो बना हुआ इसको क्या कहते हो, आप इसको सेल्फ मैसेज कहते हो, ये इसको क्या कहते हो, रिक्वेस्ट मैसेज कहते हो, ये जो आपका वर्टिकल बार है इसको क्या कहते हो, एक्टिवेशन बार कहते हैं। तो ये जो आपका है, मतलब पूरा अगर डब्बा किसी का बना हुआ है तो उसको लूप कहते हैं, नहीं बना हुआ तो जान छूटी, इससे क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये डॉटेड बैक एरो क्या होता मतलब है, ये हमारे जो प्रेजेंटेशन बनाई है उस पे तो ये नहीं ना साथ साथ लिखा, उसमें नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा होता है उन्होंने क्वेश्चन क्या करना है। अब आपसे एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम इस डायग्राम से हटके किया जाता है वो ये होता है कि आप मुझे बताओ कि मैसेज कितनी किस्म के होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर एक से किया जाए लेकिन किया जाता है। तो ये आपके मैसेजेस की टाइप्स है, ठीक है, एस्क्रोनियस मैसेज, एस्क्रोनियस मैसेज, ठीक है, एस्क्रोनियस रिटर्न मैसेज, एस्क्रोनियस क्रिएट मैसेज, और एस्क्रोनियस रिप्लाई मैसेज या रिस्पॉन्स मैसेज और डिलीट मैसेज। इनकी आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, रटा लगा लेना कि ये होते क्या है, ठीक है। तो अब आपका अगली चीज आती है ईआरडी। इसके अंदर से जो क्वेश्चन, इसके अंदर से थोड़े से क्वेश्चन किए जाते हैं, कुछ ज्यादा लंबे नहीं होते। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन इसमें से होता है, आप देखो कि इसमें से 3-4 बार्स बनी हुई हैं। सबसे पहले आपके ये जो हैं ये क्या है, ये जितने भी हैं, जरूरी मैंने ये सिर्फ इनको हाईलाइट किया है, ये जितने भी आपके सर्कल या ओवल शक्ल के हैं ये होते क्या हैं, ठीक है। तो आपके ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये कि आप ये सिंपल अगर पूछे कि ये क्या है, आपने क्या देना है, सारे एट्रीब्यूट्स, बस लंबा चौड़ा जवाब देने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपके ये जो रेक्टेंगल्स हैं, जितने भी डब्बे बने हुए, ये क्या होते हैं, ये जितने भी आपके हैं, तो ये आपके होता है ऑब्जेक्ट या इंटिनिटी, आप इसे बोलते हो, ठीक है ना, इंटिनिटी या ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपके ये जो ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं डिब्बे से, ठीक है, चलो मैंने पहले इस लाइन को किया था, वही एसोसिएशन, ये हर एक के अंदर सेम है, इसका आंसर है, मतलब चाहे क्लास डायग्राम है, चाहे आपकी क्लास में बताया नहीं होता, यूज़ केस है या ईआरडी है, उसमें ये सेम होती है, इसको एसोसिएशन या एसोसिएशन लिंक बोला जाता है। तो अब आपकी ये जो रेक्टेंगल्स वाले हैं, ये वाले जितने भी हैं ये ग्रीन कलर के, ये क्या होते हैं, इनको आप रिलेशनशिप बोलते हो, मतलब ये डायमंड इसको बोला जाता है। वो आपके ये क्वेश्चन करता है ये डायमंड जो है, डायमंड क्या है, तो आपने उसे कहना है सर ये रिलेशनशिप है, मतलब ये कि हम उसे बता रहे हैं कि एक्सपेंस रिकॉर्ड का और यूज़र के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बोला जाता है। उसके बाद आपकी ये जो लाइंस होती हैं, ये जितनी भी हैं ये जा रही हैं, इनको आप कार्डिनलिटी बोलते हो। कार्डिनलिटी मतलब कि आप उसे बताते हो कि इनके दरमियान रिलेशनशिप किस टाइप का है। तो ये आपको नज़र आ रहा है ना नीचे, किसी का ये 0.1 लिखा है, किसी का 0.star लिखा है, आप में से किसी का यहाँ पे m.n लिखा होगा, 0.m लिखा होगा, 1m लिखा होगा, ये सब का मतलब सेम होता है। अब मैं बताता हूँ होता क्या है, ये आपकी वो लाइन है।
अब ये किसी का इस तरीके से मैंने शो की हुई है, इस रिलेशनशिप की बात करूँ, ये जो आपकी कार्डिनैलिटी है, ये तीन चार टाइप से शो की जाती है, ठीक है ना। तो मैंने किसी की इस तरीके से की है, जिसकी इस तरह से की है, उसकी ये मतलब है। डायरेक्ट लाइन है तो 1-to-1 है, अगर यहाँ पे पीछे एक लाइन पड़ी हुई है और आगे बहुत सारी लाइन है तो 1-to-many है। अब इनका मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ इस डायग्राम के अंदर से। अब देखो यहाँ पे जैसे अब ये यूज़र एड्स इनकम रिकॉर्ड या यूज़र एड्स एक्सपेंस रिकॉर्ड, इनके दरमियान देखो रिलेशनशिप क्या है, 1, 0 to many। ये स्टार का मतलब होता है मैनी, अगर एम लिखा है तो वैसे ही पता है आपको मैनी। और अगर इस तरह से तीन लाइंस पड़ी हैं जैसे वो आपको दिखाया था, वो भी मैनी। मैनी मतलब ये क्या कि एक यूज़र कोई भी इनकम का रिकॉर्ड ऐड नहीं करेगा या बहुत सारे ऐड कर सकता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, ये इसका मतलब है। इस तरह से देखो यूज़र सेट आर व्यू रिमाइंडर या अलर्ट्स, तो इसका मतलब क्या है कि एक यूज़र या तो कोई भी रिमाइंडर नहीं देखेगा या बहुत सारे रिमाइंडर्स वो देख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये इस तरह के रिलेशनशिप शो किया जाता है। तो ये तीन चार टाइप्स के शो हैं, मतलब आप लोगों का मैंने ये मॉडर्न स्टाइल होता है इसको मैंने इस तरीके से शो किया है, किसी का मैंने इस तरीके से भी शो किया है, ये एम एन वाला। मतलब एन का मतलब होता है कि स्पेसिफिक दे देना कि वो यहाँ पे पाबंद है, कि वो यहाँ पे दो यूज़र ऐड कर सकता है, तीन ऐड कर सकता है, चार कर सकता है। एम का, और एम का मतलब होता है मैनी, मतलब जितने दिल है करे, कोई पाबंदी नहीं। वन का मतलब आपको पता ही है, जीरो का मतलब भी आपको पता ही है। तो अब आपके इसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स, जो आपकी ई आर डी है ना यहाँ पे, ये वाली, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इसकी तीन चार टाइप्स होती हैं। आपने गौर किया होगा यहाँ पे किसी के डायरेक्ट, एक तो ये आपका सॉलिड है, ये ऐसे नज़र आ रहा है आपको सॉलिड, ठीक है, जैसे आप फर्स्ट नेम। एक देखो जैसे ये यूज़र आई डी है, इसके नीचे आपका अंडरलाइन लगी हुई है, और बाकी आपका इस डायग्राम में नहीं है, लेकिन कईयों का मैंने किया है कि आपने यूज़ केस देखा होगा उसमें, मैंने इसमें सॉरी ई आर डी कोई इस तरह का डॉटेड भी लगाया हुआ है, डॉटेड लाइन वाला, वो मैं आपको दिखाता हूँ होते क्या है। पहले वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया है वो सिंपल होते हैं, ये की जिसका अंडरलाइन होता है इसका मतलब ये होता है कि ये आपके डेटाबेस के अंदर ये वाली प्राइमरी की है, बस इतना सा जवाब है। अब ये जो डॉटेड किसी का लगा होता है, ठीक है, इसको ड्राइव एट्रीब्यूट बोला जाता है। ड्राइव एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि आपकी अब एज है, जैसे मैंने लिखा हुआ भी है, चलो उसी के ले लो, मैं कहता हूँ कि आप कह देता हूँ कि एक यूज़र है, उसकी एज मैं आगे लिख देता हूँ 20 साल, तो वो एज उसकी कहाँ से निकली, उसकी डेट ऑफ बर्थ को दे के। मतलब ये कि ये वाला जो इसका एट्रीब्यूट है या इसका जो खासियत कह लो, वो किसी और की वजह से है, किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसलिए इसको ड्राइव एट्रीब्यूट बोला जाता है। और एक आपका होता है मल्टी एट्रीब्यूट या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, वो आपका इस तरह से डबल लाइन होती है। डबल लाइन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब आपका तकरीबन मैंने अगर किसी का लगाया तो या मैंने एड्रेस पे लगाया होगा, या मैंने फ़ोन नंबर पे लगाया, या मैंने ईमेल पे लगाया है, और किसी जगह पे नहीं लगाया होगा। इसका मतलब ये होता है कि एक बंदा है, अगर ईमेल है तो एक बंदे की एक से ज़्यादा भी तो ईमेल्स हो सकती हैं, ठीक है, तो इसलिए हम वो मल्टी वैल्यूड लगा देते हैं। सिंपल वाला भी लगा दो तो कोई नहीं, किसी का मैंने ईमेल पे भी सिंपल ही लगाया है, तो इस पे वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने यहाँ पे मल्टी वैल्यूड लगाना था तो क्यों नहीं लगाया, तो ये वो जो भी है, ठीक है ना। तो ये आपकी एक तो चीज़ आ गई, ये क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम के अंदर से जो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं वो आपसे क्वेश्चन, इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें सब तकरीबन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है सबसे थोड़े क्वेश्चन इसी के अंदर से होते हैं, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लास डायग्राम के अंदर सबसे पहले तो आप देख रहे हो ये जितने भी आपके हैं, ये जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, मतलब इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, इन सब को आप बोलते हो क्लास, ये आपकी क्लास है। मतलब आप देखो इसके अंदर आपकी कितनी क्लासेज हैं, 4-5 क्लासेज हैं, किसी की ज़्यादा होंगी। अब जैसे मेरा ख्याल है ये आपका क्रिमिनल वाला कोई प्रोजेक्ट है, अब पता नहीं आयशा आपका है या किसका है, उसके अंदर यहाँ पे क्लास में अगर आप जाओ तो बेहिसाब क्लासेज बनी हुई हैं। तो एंटिटी भी आपकी बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है ना कॉम्प्लिकेटेड सी है, क्योंकि उसमें फंक्शन ज़्यादा हैं, रोल ज़्यादा हैं, चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसमें सिंपल सा था। तो ये आपकी, इसको अगर वो पूछे कि ये डब्बा क्या है, तो आप इसको क्लास बोलते हो या क्लास नोटेशन बोलते हो, ठीक है। अब आपसे उसके बाद आपकी जो अगली चीज़ आती है वो आपकी ये डायमंड्स, ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये डायमंड्स अगर गौर करो तो ये वाला आपको देखो अनफिल्ड डायमंड नज़र आ रहा है, ये इनकम के ऊपर वाइट कलर में,
इसके नीचे आपको फिल डायमंड नजर आ रहा है, बाकी ये सीधी लाइन नजर आ रही है। तो ये आपके रिलेशनशिप होते हैं, ये भी मतलब ये हम इसमें बताते हैं, ये आपका सेम वही वाला आ गया जो आपने यूज केस के अंदर किया था, मतलब इंक्लूड एक्सटेंड वाला जनरलाइजेशन, ये सेम वो वाला रिलेशनशिप यहाँ पे यूज होते हैं, लेकिन उधर किसी और तरीके से यूज किया जाता है, इसके अंदर इस तरीके से शो किए जाते हैं। तो ये आपके जितने भी हैं ये आपके रिलेशनशिप्स हैं। अगर वो आपसे पूछे कि ये डायमंड क्या है, तो आपने क्या कहना है कि सर ये रिलेशनशिप्स हैं। अब इनकी टाइप्स हैं, ठीक है ना। अब ये टाइप्स मैंने अगली स्लाइड में मैंने बताई हुई है, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इसकी। कि वैसे आपको बता दूं कि अगर आपका फील्ड डायमंड है ये वाला ब्लैक वाला, तो ये होती है कंपोजिशन का रिलेशनशिप। अगर वो आपसे पूछे कि ये जो ब्लैक वाला डायमंड है ये क्या चीज़ है, तो आपने कहना है सर कंपोजिशन रिलेशनशिप। अब वो आपसे पूछेगा कंपोजिशन होता क्या है, तो कंपोजिशन आपको मैं पहले बता चुका हूँ इंक्लूड वाला, कि एक क्लास दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। देखो अगर एक्सपेंस नहीं है, अगर यूजर एक्सपेंस ही नहीं करता, तो उसको एक्सपेंस की रिपोर्ट कहाँ से मिलनी है, कोई रिपोर्ट नहीं होगी ना। जब एक्सपेंस है ही नहीं तो रिपोर्ट किस चीज़ की, रिपोर्ट उसी वक्त होगी जब एक्सपेंस होगा। मतलब क्या कि ये रिपोर्ट जो है 100% डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, एक्सपेंसेस के ऊपर। अब आपकी अगली, जैसे आप देखो इनकम और क्लास एक्सपेंसेस के दरमियान आपका जर्नलाइजेशन, इसे बोला जाता है अनफिल्ड डायमंड है जर्नल, इसको सॉरी एग्रीगेशन बोला जाता है। एग्रीगेशन मतलब वही कि ये क्लास इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि इस बंदे की इनकम है या नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि उस बंदे के अगर एक्सपेंसेस हैं तो उसकी इनकम भी हो, या अगर किसी बंदे की इनकम है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसको खर्च भी करता हो। कोई ऐसे भी लोग हैं जो कमाते हैं बस 1 रुपया नहीं खर्च करते हैं, रख लेते हैं, लेकिन इनकम फिर एक्सपेंस थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन एक्सपेंस इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्योंकि अगर आपकी अपनी इनकम नहीं है तो आप कहीं और से तो ले रहे होगे, मतलब घर से ले लेते हो, अम्मी अबू से ले लेते हो, जेब खर्च ले लेते हो, तो वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपको एक खर्च मिल रहा है, तो इसलिए आपका एक्सपेंस इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा इनकम के ऊपर। तो ये इस तरह की रिलेशनशिप है। ये आपने आपसे बस यही पूछा जाता है, कहा मुझे बताओ कि ये क्या है, तो अगर ये पूरे का पूछे तो क्लास है, तो ये अगर डायमंड वगैरह जो भी बने हुए हैं ये क्या है, ये आपके रिलेशनशिप्स हैं। ये देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आपकी डली हुई है, तो इसका मतलब ये कि इनके दरमियान बस एक नॉर्मल सा आपका जो है ना ये रिलेशन है। नॉर्मल मतलब ये कि एक्सपेंस और यूजर के दरमियान बस एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, कोई भी रिलेशन, बंदे के दरमियान और ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई भी रिलेशन हो सकता है, इसमें कोई नहीं होता। अब यूजर 100% एक्सपेंसिस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसलिए आप इसको स्ट्रेट लाइन से शो करते हो। अब आपके बाकी ये जो सर्कल में मैंने किए हैं 1 to many, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वही वाले आपके हैं। कार्डिनैलिटी बोला जाता है, जहाँ पे आप उसे बताते हो कि कितना डिपेंड कर रहा था। अब आपको पता ही है कि 1 star 1 dot star का क्या मतलब है, कि 1 to many या 0 star के, 1 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा, या 0 मतलब ये है ना कि एक एक्सपेंस है तो उसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं हो सकती या बहुत सारी रिपोर्ट हो सकती हैं। वन, अब जो 1 to many लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि एक बंदे की एक इनकम भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा इनकम भी हो सकती हैं, खर्चे भी इसी तरह से। तो एज इट, बाकी इनका आपको मैंने बताया हुआ है, ये आपकी इसमें जो इसके अंदर से क्वेश्चन किए जाते हैं, ये इन डब्बों के अंदर से, ये इन 3 चीज़ों के बस। आपका एक दो मेरे ख्याल डायग्राम्स और रह गई हैं, तो ये आपका ख़त्म है। अब इस डब्बे के अंदर से आपसे क्वेश्चन जो किया जाता है, कि जैसे आपको नज़र आ रहा है मैंने एक डब्बा ले लिया, कोई भी डब्बा हो सकता है, वो आपसे कहेगा कि ये जो ब्लू कलर है कोई भी कलर हो सकता है, या कलर नहीं भी हो सकता, लेकिन टॉप वाला ऐसा, क्योंकि आप देखो इसका आपको 3 इसके हिस्से नज़र आ रहे हैं, पहला ऊपर वाला ऐसा, आपका दूसरा ऐसा और तीसरा ऐसा, हर क्लास आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब ये टॉप जो होता है ये क्लास नेम होता है, ठीक है ना। ये सिंपल, अगर आपसे पूछे कि ये टॉप वाला क्या है, आपने कहना है सर ये क्लास नेम है, दैट्स इट। अब नीचे वाले का अगर पूछे कि ये डब्बा क्या है, तो आपने कहना है सर ये क्लास एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। और अगर आखिरी डब्बे का पूछे कि ये क्या है, तो आपने कहना है कि ये क्लास ऑपरेशन या मेथड्स हैं। मतलब ये कि ये अगर यूज़र है, तो ये इसको हम बता रहे हैं कि वो यूज़र क्या क्या कर सकता है, यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, जो भी है, ये उसके ऑपरेशन है। तो ये उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से हम उठाते हैं, डेटाबेस के अंदर से। अगर आप अपना डेटाबेस देखो ना, तो 100% यही होगा, डेटाबेस के अंदर जो कॉलम्स बने होंगे इस टेबल के अंदर, समझो कि ये डेटाबेस का टेबल है, उस टेबल के अंदर 100% यही कॉलम बने होंगे, ठीक है।
तो अब आप इसके अंदर एक चीज़ जो पूछी जाती है वो आपसे ये कि ये आपको नज़र आ रहा है जो माइनस प्लस हैश का निशान, ये क्या होते हैं, ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे आगे ये जो आपके लिखा हुआ है चार 35 डेट वेरिएबल करेक्टर वर्कर या जो भी आप पढ़ते हो इंट डेट टाइम, ये क्या है, तो ये आपके एट्रीब्यूट की टाइप होती है कि वो उसकी क्या टाइप है। ये डेटाबेस की सारी चीज़ें होती हैं। और ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है पी के का मतलब कि प्राइमरी की है। और ये जो आपको प्लस माइनस वाले जितने भी हैं इनको आप बोलते हो कि ये क्लास की विजिबिलिटी साइंस है, मतलब ये आप प्रोटेक्टर कह सकते हो या एक और भी इनका लफ्ज़ होता है, हमारे वो जहन में नहीं है, तो वो होते क्या हैं। अब इसमें सिर्फ इन साइंस को मैंने आगे स्लाइड में डिफाइन किया हुआ है, लेकिन माइनस का मतलब ये होता है कि ये प्राइवेट है। अगर वो आपसे पूछे कि माइनस का क्या मतलब है, यही क्वेश्चन होता है एज इट, मतलब ये जो आपने माइनस लगाया इसका मतलब क्या है, आपने कहना सर ये प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब देखो अब यूज़र को क्या पता होता है कि उसकी आईडी क्या है, बैकएंड पे जो आईडी चल रही होती है, नहीं पता होता, ठीक है। अब जैसे आप हो, मिसाल के तौर पे आप हो, आपकी VULMS की आईडी है, वो आईडी और है लेकिन उसके पीछे भी एक आईडी चल रही होगी, वो आईडी आपको नहीं पता कि वो पीछे क्या चल रही है, वो सिस्टम को ही पता है या डेटाबेस को पता है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को पता है, तो वो होती है प्राइवेट। फिर आपका प्लस का मतलब ये होता है कि पब्लिक, पब्लिक देखो आप नाम देख सकते हो, कोई भी आपका नाम देख सकता है, अगर कमेंट आप लिखते हो LMS पे की बात कर रहा हूँ किसी GDP पे तो आपका नाम आ रहा होता है, इसका मतलब क्या है कि आपका नाम पब्लिश है। उसके बाद आपका अभी जैसे अब आपको वो ईमेल भी आएगी तो उसमें सारे स्टूडेंट्स का नाम होगा, इस तरह से आपकी ईमेल है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ये प्रोटेक्टेड होती हैं। आपकी पर्सनल ईमेल मेरा ख्याल है किसी दूसरे स्टूडेंट को नहीं पता होगी क्योंकि वो आपकी पर्सनल ईमेल सिर्फ आपको दिखाई जाती है, किसी दूसरे को नहीं दिखाई जाती। इसी तरह से फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये साइन जो हैश का साइन है इसको आप प्रोटेक्टेड बोलते हो, प्लस के साइन को आप पब्लिक बोलते हो, माइनस के साइन को आप प्राइवेट बोलते हो, बस। बाकी ये वो एसोसिएशन की जो मैंने आपको बताई थी कि तीन चार टाइप्स होती हैं, पाँच वो आपकी ये हैं, मैंने आपको ये ज़्यादातर आप लोगों की यही यूज़ हुई है, ये स्ट्रेट लाइन एसोसिएशन, और ये आपकी अनफिल्ड डायमंड यानी कि एग्रीगेशन, और ये कंपोजिशन। कंपोजिशन आपकी किसी क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, कंपोजिशन जो आपकी होती है वो 100% डिपेंडेंट होती है, और एसोसिएशन एक नॉर्मल आपका होता है, ठीक है। बाकी इनहेरिटेंस आपको मैं ऑलरेडी वो पढ़ा चुका हूँ जो जनरलाइजेशन बताई थी आपको यूज़ केस के अंदर, कि आपके पास मल्टीपल चॉइस है, जैसे कि ब्लड का मैंने एग्जाम्पल दी थी, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है कि ब्लड सेल है, तो ब्लड व्हाइट सेल भी हो सकता है, रेड सेल भी हो सकता है, ये होता रहेंगे वो। बाकी ये आपकी वो मल्टीप्लिसिटी की जो टाइप्स हैं, ठीक है, ये साथ बताया हुआ कि वन है तो उसका क्या मतलब होता है, 0 to 1 है तो इसका 0 और 1 क्या मतलब होता है, स्टार लगा है तो इसका क्या मतलब होता है, 1 डॉट स्टार है तो इसका क्या मतलब होता है, ये क्या आपको मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी ये आपके जो मॉडिफायर, सॉरी इनका नाम तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था, ये आपके वो साइन के सिर्फ नाम आपने याद करने हैं कि प्लस है तो पब्लिक है, माइनस है तो प्राइवेट हैश है तो प्रोटेक्टेड है, ये लगा है ये किसी का नहीं लगा होगा, पैकेज है लिमडा से बोलते हैं या क्या बोलते हैं, स्लैश है तो ड्राइव है, अंडरलाइन और स्टैटिक है, ये किसी का भी नहीं है, सिर्फ ये ऊपर वाले 2-3 यूज हुए हैं। डेटाबेस के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं होता, जस्ट आपने दिखानी है बस, दैट्स इट। इसका सिर्फ अगर पूछें तो ये आपको टॉप से पूछते हैं कि ये जो येलो की लगी हुई है ये क्या है, ये येलो सी की आपको नजर, ये आपने सिंपल कहना है सर ये प्राइमरी की है बस, और इसके अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है ना। अब आपके ये जो हैं सारे के सारे आपके डायग्राम के अंदर से क्वेश्चन होते हैं जो आपको मैंने बताए हैं, ये आप एज इट बेशक यूट्यूब से सर्च कर लो, या यूट्यूब पे तो खैर आपको नहीं मिलेगा, गूगल से मिल जाएगा, नहीं तो इसी वीडियो को आप देख के एज इट रट्टा लगा लो, ठीक है ना। अब आपके आखिरी चीज जो आपसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ये आपकी आखिरी चीज़ है, बस इसके अंदर से 5-6 क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं, रट्टा लगाने हैं सिर्फ रट्टा, तो उसके बाद आपकी ये क्लास भी ख़त्म। अब सबसे पहले एक बात मैं आपको बीच में ये भी बता दूं कि इस वाइवा के अंदर सुपरवाइजर जो आपसे क्वेश्चन करता है, जब आप डायग्राम दिखा रहे होगे 90% तो नहीं कह सकता लेकिन 50% चांसेस रहते हैं आप जो डायग्राम दिखाओ वो कहेगा ये भी गलत है, आप अगली दिखाओ कहता है ये भी गलत है। अब वो करता क्यों है ऐसा, उसका मकसद मेन होता है आपको कन्फ्यूज़ करना। आपने वहाँ पे अगर वो आपको कहता है कि ये गलत है, कुछ की गलत होती ही नहीं है, ये भी नहीं कि 100% ठीक होती हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अगर आपकी डायग्राम्स बनाई तो मैंने थोड़ी थोड़ी ना होने के बराबर मिस्टेक्स छोड़ी हैं, जो कुछ ज़्यादा थी सुपरवाइजर ने हाईलाइट की तो उनको मैंने दोबारा सेट कर दिया था,
तो किसी जगह पे मुझसे वैसे मिस्टेक हो जाती है, किसी जगह पे मैं जानबूझ के कर देता हूँ, लेकिन ब्लंडर किसी जगह पे नहीं मारा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का होती है कि टोटली गलत होती है। अब अगर स्टूडेंट सुपरवाइजर आपको कहता है कि ये गलत है, तो आपने सिंपल कहना है कि सर मेरे हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन अगर आप कहते हैं मे भी, या आप जवाब ही नहीं दो। अगर जवाब इसका मांगते हैं तो आपने इस तरह, ये नहीं कहना कि सर नहीं तो ये ठीक है, या आपने इस तरह कहना है कि सर अगर वो आपको कहता है कि जी ये गलत है, तो आपने कहना सर वो जब मैंने असर सबमिट की थी या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सबमिट की थी, तो उस वक्त सर ने चेक किया था, तो इन्होंने हाईलाइट नहीं किया था, तो मैंने फिर इस पर इतना फोकस नहीं किया, तो मैं तो अपने प्रोजेक्ट पे फोकस कर देता, इसलिए मैंने डायग्राम से मे भी इनमें कोई गलती रह गई हो। मतलब इस तरह का मिला जुला आपने जवाब देना है, ज़िद नहीं लगाने के सर नहीं नहीं ये तो ठीक है, चाहे ठीक जो आपको पता भी हो कि 100% ठीक है, ठीक है, फिर भी अगर वो कहता है गलत है आपका सर, हो सकता है गलत, इसमें कोई मिस्टेक हो, मैं तो इसमें इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, अब आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाता है, फेवरेट सब्जेक्ट की बात है, क्या मुझे बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। बाज़ दफ़ा पूछते नहीं हैं, बाज़ दफ़ा डायरेक्ट ऐसे ही आपसे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तो आपने फेवरेट सब्जेक्ट अपना डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ही बताना, मेरा ख्याल 403 है आपका शायद उसका कोड। आपने डाटा बेस कहना जी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है डाटा बेस, सिर्फ इतना कह दो। ठीक है, अब आपसे इसके अंदर से क्वेश्चन होंगे डाटा बेस से ही रिलेटेड। ठीक है, अब डेटाबेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे तकरीबन 10-12 क्वेश्चंस हैं, इससे अटके भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही हो, लेकिन मैक्सिमम जो 90 या 99% पूछे जाते हैं वो यही वाले क्वेश्चन हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैंने वो लिख दिए हैं। इससे अटके अगर कोई पूछे तो आपको आता हुआ तो ठीक है, ना आता हुआ तो माजरत कर लेना उसे, ठीक है ना। अब पहला सबसे पहला आप जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो यही होता है कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आपका सिंपल जवाब होना चाहिए। वैसे तो मैंने यहाँ पे लंबी चौड़ी इसकी डेफिनेशन शायद लिखी है, इसका सिंपल इतना कि सर रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस होता है जो टेबल्स पे कंसिस्ट करता है, यानी जिसके अंदर टेबल्स होते हैं या डाटा को, या दूसरी जबान में आप इसे कह सकते हैं डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस सर वो डेटाबेस होता है जो डाटा को रोज और कॉलम्स की शक्ल में सेव करता है या स्टोर करता है, डाटा को रोज और कॉलम्स की शक्ल में स्टोर करता है, बस इतना सा जवाब आपने देना है। अब अगर आपसे पूछे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते कौन कौन से हैं या कितनी टाइप्स हैं, तो आपने इसका दे देना सर MySQL, SQL, MS Access। ठीक है, मेन तीन ही है, ठीक है ना, MySQL, SQL, वैसे MySQL और SQL 100% सेम ही है, थोड़ा बहुत कोई फर्क है नहीं, और एक्सेस, ये आपके रिलेशनल डेटाबेस हैं। और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो MS Access और MySQL और आखिरी आपका SQL सर्वर, नाम यही है, सिर्फ आगे सर्वर लगा देना और कुछ नहीं। तो ये आपकी दो क्वेश्चन। तीसरा आपसे क्वेश्चन किया जाता है, काम मुझे बताओ कि आपकी जो डेटाबेस के अंदर टाइप्स यूज होती हैं कीज की, वो कितनी है या कितनी टाइप है किस्म की जो आपकी कीज है वो डेटाबेस के अंदर होती हैं। तो आपने सिर्फ रट्टा ही लगाना है, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, अल्टर की, सुपर की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, मतलब ये 7 किस्म की टाइप आपकी कीज है, ये डेटाबेस के अंदर यूज होती हैं। सिर्फ नाम रट्टा लगाने हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, सुपर की, कैंडिडेट की, और ये आपके सामने खैर लिखी हुई है। अब इनमें से क्वेश्चन जो किया जाता है, मैक्सिमम जो किया जाता है वो आपको इन तीन या चार चीज़ के बारे में पूछा जाता है, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है, और कैंडिडेट की क्या होती है। ये चार चीज़ का ज़्यादातर क्वेश्चन होता है, बाकी चीज़ का भी वो पूछ सकते हैं, लेकिन मुश्किल आंसर कोई नहीं है। मैं आप लोगों को हमेशा बताता आया हूँ, वैसे इनकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी हुई है कि प्राइमरी की आपकी हमेशा यूनिक की होती है। अब जिन लोगों का एंड्रॉयड है, जिन्होंने वेब बेस्ड प्रोजेक्ट रखा है, उनको इस डेटाबेस के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। लेकिन जिनका एंड्रॉयड था उनका डेटाबेस आपका, आपको पता है कि आपका कौन सा यूज हुआ था, फायरबेस। फायरबेस के अंदर ये इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ना तो प्राइमरी की होती है, ना यूनिक की होती है, ना सुपर की होती है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपका डाटा उसमें नोड्स की शक्ल में चल रहा होता है, लेकिन आपको ये आंसर आने चाहिए। ठीक है, अब प्राइमरी की, इसका तो लंबा चौड़ा जवाब लिखा है, आपने सिंपल इतना कहना है, सीधी जबान उठता, वहाँ पे भी आपने दैट इट उर्दू में जवाब देना है, कोई इंग्लिश में नहीं, ज़्यादातर उर्दू में चलता है। अगर वो पूछता है प्राइमरी की क्या है, आपने कहना है सर प्राइमरी की हर टेबल के अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है और इसके अंदर डाटा रिपीट नहीं हो सकता, मतलब जिस कॉलम के ऊपर आप प्राइमरी की लगाओगे उसमें आप सेम डाटा दो बार एंटर नहीं कर सकते। अगर किसी यूज़र की आईडी 1 है तो दूसरे यूज़र की आईडी 1 नहीं हो सकती,
ठीक है ना, प्राइमरी की सिर्फ एक कॉलम पे होती है टेबल के अंदर, और उस कॉलम के अंदर डाटा रिपीट नहीं हो सकता या डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इतना सा आपका जवाब है। फॉरेन की जो आपकी है वो क्या है, फॉरेन की एक से ज़्यादा कॉलम्स पे मुश्तमिल हो सकती है, मतलब आप एक से ज़्यादा कॉलम्स को एज अ फॉरेन की डिक्लेयर कर सकते हो और इसमें डाटा भी रिपीट हो सकता है। और इस फॉरेन की का काम क्या होता है, ये एक टेबल के अंदर दूसरे टेबल का रेफरेंस होती है। मतलब सीधा अगर जवाब दूँ तो सर फॉरेन की क्या है, सर फॉरेन की एक टेबल के अंदर दूसरे टेबल का रेफरेंस होती है, और ये एक टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर अप्लाई की जा सकती है और इसमें डाटा भी रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। अब आपकी इसी तरह से आगे आती है यूनिक की। यूनिक की आपकी एज इट प्राइमरी की तरह है कि जिस कॉलम के ऊपर आप यूनिक की लगाओगे उसके अंदर डाटा रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन प्राइमरी की आपकी सिर्फ एक कॉलम पे लगती है एक टेबल के अंदर, यूनिक की आप एक टेबल के अंदर जितने मर्जी कॉलम पे लगा लो, ठीक है ना। मतलब यूनिक की एक या एक से ज़्यादा टेबल, एक या एक से ज़्यादा कॉलम के अंदर आप लगा सकते हो और इसमें डाटा रिपीट नहीं होता, बस सिंपल बात है, इसमें भी डाटा रिपीट नहीं होता, ठीक है। और सुपर की क्या होती है, सुपर की इन सब का कम्बिनेशन होती है, सीधा सा जवाब है, वैसे ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन सुपर की इन सब का कम्बिनेशन होती है, मतलब इन सब के अंदर होल्ड करती है। एक सुपर की है उसी के अंदर आपकी यूनिक की होगी, उसी के अंदर आपकी कंपोजिट की होगी, उसी के अंदर आपकी प्राइमरी की फॉरेन की जो भी है। अब आपकी कैंडिडेट की, कैंडिडेट की भी सेम आपकी वही चीज़ है जो आपके ऊपर प्राइमरी की है, सॉरी वो फॉरेन की है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डाटा आपका डिफरेंट होता है। ये भी आप एक से ज़्यादा कीज़ के ऊपर लगा सकते हो, यानी कि आपने क्योंकि कॉलम आप ये समझ लो कि यूनिक की और कैंडिडेट सेम है, सिर्फ नाम दो है। और अब आपका आखिरी जो ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है, कंपोजिट की क्या होती है, अल्टरनेट की इतना नहीं पूछा जाता, कंपोजिट की क्या होती है। कंपोजिट की ये ज़्यादातर क्वेश्चन ये आपका सबसे पहले तो यही है कि सर ये मेरा दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का एक कम्बिनेशन होता है। एट्रीब्यूट्स मतलब अब वो आपसे पूछे कि अच्छा मुझे डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन किया जाता है और इसको एक्सप्लेन भी करवाया जाता है कि कंपोजिट क्या होती है। आपने पहले तो ये कहना सर ये दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की, ठीक है, एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स कह लो, ठीक है, उनका मजमू होती है या कम्बिनेशन होती है, अच्छा एक्सप्लेन करो। अब एक्सप्लेन मैं आपको ये बताता हूँ कैसे होता है। आपने एग्जांपल ये देनी है कि सर फॉर एग्जांपल एक यूज़र हमने सर्च करना है, ये मैंने शायद पहले भी बताया था। अब देखो अगर हमने एक यूज़र सर्च करना है, मैं सीधी सी एक मिसाल देता हूँ, हमने एक सर्च करना है रेहान को मिसाल के तौर पर। अब अगर आप सर्च में लिखते हो रेहान, अब अगर उस डेटा बेस के अंदर कोई 1000 नाम है रेहान का, कोई रेहान अली है, कोई रेहान अहमद है, कोई भी है, तो वो सारे के सारे रेहान आ जाएंगे। अब आप ढूंढना तो उस रेहान को चाह रहे थे जिसकी आईडी 123 थी, ठीक है, अगर तो आपको डायरेक्ट आईडी पता है फिर तो आप आईडी से सर्च करोगे तो वही रेहान निकलेगा, लेकिन बाद में हमें आईडी पता ही नहीं होती, लेकिन हम फिर भी स्पेसिफिक यूजर सर्च कर रहे होते हैं। ये आपने देखा होगा कई बार, जैसे अगर आप वेबसाइट पर देखो मिसाल के तौर पर, ऑनलाइन वेबसाइट पर कहीं आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट है, आप अगर एक चीज़ देखते हो तो आप वहाँ पे सर्च करते हो ना, आप उसका लिखते हो प्रोडक्ट नेम, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर, फिर साथ ही आगे उसका आप लिख देते कलर फ्लां होना चाहिए, इसकी प्राइस रेंज फ्लां होनी चाहिए, तो वो आपको एग्जैक्ट वही चीज़ दे रहा होता है, यही चीज़ इसकी भी है। मैं अगर चलो फॉर एग्जाम्पल मुझे रेहान मैन मोहम्मद रेहान ही ढूंढना है, तो मैं मोहम्मद रेहान लिखता हूँ या रेहान अली लिखता हूँ, तो रेहान अली तो आ जाएंगे, हो सकता है 10 रेहान अली हों, वो सारे के सारे आ जाएंगे। अब मुझे चाहिए मिसाल के तौर पर, मुझे चाहिए रेहान अली वो वाला जो रावलपिंडी सदर में रहता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐड करूँगा रेहान अली, साथ में उसकी क्या चीज़ ऐड करूँगा, दूसरा कम्बिनेशन किस चीज़ का, एड्रेस का, समझ आ गया, एड्रेस या सिटी का। अब मैं अगर लिखूँगा तो अब मुझे रेहान अली सिर्फ वही मिलेगा जो रेहान अली सदर में रहता है। अब ये भी मुमकिन हो सकता है कि रेहान अली सदर में एक की बजाय दो रहते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ पर हम तीसरी एक यूनिक चीज़ और ऐड कर देते हैं, हम हो सकता है उसका साथ में फ़ोन नंबर ऐड कर दें। अब मतलब ये है कितने कॉलम्स का ये हमने कम्बिनेशन बनाया, रेहान अली यानी कि नेम का, एड्रेस का, और आखिरी हमने क्या किया, फ़ोन नंबर का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तीन कॉलम्स का कम्बिनेशन बनाया। अब मेरे ख्याल जो रेहान अली आएगा सिर्फ वही आएगा जो हम सर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दो रेहान हो, एक ही एड्रेस पर रह रहे हो, उनका फ़ोन नंबर भी एक ही हो, ठीक है ना। तो ये आपका कम्बिजिट की, आपने इस तरह से उसको मिसाल दे देनी है।
अगर वो आपको एक्सप्लेन कराना चाहे। उसके बाद आपसे जो अगला क्वेश्चन होता है उसमें यही है कि जॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स आपका सिंपल जवाब होना चाहिए कि सर जॉइंट दो या दो से ज़्यादा टेबल का डाटा मर्ज करने के लिए यूज़ होते हैं। अब ये जॉइंट आपके कहाँ यूज़ होंगे, ये भी वेब वालों के लिए है, एंड्रॉयड में जॉइंट नहीं होता। आपने देखा होगा जैसे कि आप ऑर्डर्स का टेबल है मिसाल के तौर पे, आपने देखा होगा कि अगर ऑर्डर आप जाते हो ऑर्डर में डेटाबेस के अंदर तो सिर्फ उसकी आईडी लिखी होती है यूज़र की 1 2 3 4 5, लेकिन जब डाटा शो हो रहा होता है आपको वेबसाइट के अंदर तो आपको प्रॉपर शो हो रहा होता है कि ऑर्डर करने वाला अदनान था, ठीक है, उसने फलां डेट को किया, उसने ऑर्डर किया फलां चीज़, मतलब हर चीज़ आपको डिटेल से आ रही थी। वो होता क्या है, वो आपका जॉइन लगा होता है आपकी क्यूरी के अंदर, ठीक है ना। क्यूरी आपने देखी होगी, सिलेक्ट फ्लॉम फ्रॉम वेयर फ्लॉम इक्वल फ्लॉम इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन, तो ये आपका जॉइन नहीं होता। मतलब सिंपल जवाब कि सर जॉइन दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को मर्ज करने के लिए यूज़ होता है या टेबल का डाटा मर्ज करने के लिए यूज़ होता है, दैट्स इट। अब इसकी टाइप्स, तो टाइप्स में अभी नाम ले भी चुका हूँ कि इनर जॉइन आउटर जॉइन लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन, चार टाइप्स होती हैं। इनकी डिटेल वैसे पूछते कोई नहीं है, अगर आप देखना चाहो तो गूगल से सर्च कर लेना, मैंने इसीलिए लिखी नहीं है। जस्ट टाइप्स पूछते हैं कि इनर जॉइन कितने टाइप्स हैं, आप कह रहे हैं इनर जॉइन आउटर जॉइन लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन, दैट्स इट। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। तो आपका सिर्फ एक जवाब होना चाहिए कि सर डेटाबेस के अंदर डेटा की रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज़ की जाती है, ये वर्ड आपने यूज़ करना है। डेटाबेस के अंदर डेटा की रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज़ होती है, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये लिखी हुई है, ठीक है। तो आपने बड़ा जो मैंने जवाब दिया आप उसी को लिख दें कि डेटाबेस के अंदर डेटा की रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज़ की जाती है। अब रिडंडेंसी है, ठीक है, मैं एग्जांपल आपको इसकी दे दूंगा। अब आपसे ये अगला क्वेश्चन होता है कि नॉर्मलाइजेशन होती कितनी किस्म की है, छह किस्म की होती है। फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन, सेकंड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन, थर्ड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन, 4 5 6 7। वैसे नॉर्मल होती तीन ही है, नाम छह है, ठीक है ना। अब ये होती क्या है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि इसकी वो आपसे एग्जांपल भी पूछते हैं, ठीक है। नाम इनके यही है, फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन या फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, होती तीन ही है, वैसे छः का वैसे नाम है। फर्स्ट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, एक टेबल है, मैंने डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया, मैंने उसके अंदर लिखा जो स्टूडेंट का नाम है वो रेहान है, वो जो रहता है वो फलां जगह पे रहता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ फलां है, उसने कोर्स जो कर रहा है मिसाल के तौर पे बीएस कर रहा है, उसका सेमेस्टर जो है फलां है, उसने फलां ईयर में एडमिशन लिया था, फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अब मतलब क्या हुआ कि आपका टेबल लंबा हो गया, उसमें बहुत सारे कॉलम्स आ गए, डाटा मिक्स हो गया। अब जब आप डाटा रीड करोगे तो आपको थोड़ा सा रीड करने में प्रॉब्लम होगी कि इतने ज़्यादा कॉलम। अब होगा क्या, मैं क्या करूँगा, मैं एक टेबल बनाऊँगा यूज़र के नाम से या जो भी है, उसके अंदर मैं सिर्फ सेव करता हूँ कि जो स्टूडेंट है वो रेहान है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसका एड्रेस ये है, दैट्स इट। तो मैं एक दूसरा टेबल बनाऊंगा कोर्स का, उसके अंदर मैं लिखूंगा कि जो कोर्स है वो रेहान का जो है रेहान, उसमें सिर्फ अब मैं एक आईडी बना दूंगा कोर्स कि उसका कोर्स जो है फलां है, उसने एडमिशन फलां टाइम पर लिया था, उसकी यूनिवर्सिटी फलां है, और ये किसकी है आगे कि मैं कॉलम बना दूंगा जिसमें होगा यूज़र आईडी, वहाँ पर मैं सिर्फ उस रेहान की आईडी लिखूंगा, कोई नाम नहीं लिखूंगा। अब उस आईडी के थ्रू, अब वो आईडी आपकी फॉरन की होगी, उस आईडी के थ्रू मैं दोनों टेबल्स को मर्ज करके आपका डाटा उठा लूंगा। ये होती है फर्स्ट फॉर्म नॉर्मलाइजेशन, मतलब जब मैंने सारा डाटा एक टेबल में शो कराया वो फर्स्ट फॉर्म था, जब मैंने इसके दो टेबल बनाए तो ये सेकेंड फॉर्म है, और इसी के अगर मैंने तीन टेबल बनाए, मैं कहता हूँ कि नहीं ये गलत है, मैं क्या काम करता हूँ, मैं यूज़र का अलग बनाता हूँ, कोर्सेज का अलग बनाता हूँ, और तीसरा मैं बना देता हूँ कि एडमिशन्स का, उसके अंदर मैं इसकी डिटेल दे देता हूँ कि इसने फलां कोर्स डाल किया था। मतलब एक मैं टेबल मैंने बनाया नाम का, दूसरा टेबल बना दिया जिसमें मेरे स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है, दूसरा टेबल मैंने बनाया कोर्सेज का, मैंने सिर्फ मैंने लिख दिया कि ये बी एस है, ये बी एस सी है, ये फलां, ये फलां, 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 फलां। तीसरा मैंने उसका बना दिया एडमिशन डिटेल की, अब उसमें मैंने लिख दिया कि स्टूडेंट जो है वो वन है, ठीक है, कोर्स उसने 1 या 3 सेलेक्ट किया है, उसके आगे मैंने डिटेल लिखी। तो ये थर्ड फॉर्म हो गई,
एक टेबल, एक ही डाटा को तीन टेबल में कन्वर्ट किया। तो ये इस तरह से फोर्थ होती है, फिफ्थ होती है, सिक्स्थ होती है। ठीक है, सीधे जवाब आपका यही होना चाहिए कि अगर एक टेबल में सारा डाटा शो करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म, अगर उस डाटा को दो में कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड है, तीन में करेंगे थर्ड है, फोर में करेंगे फोर्थ है, फाइव सिक्स जो भी है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी इसकी। और उसके बाद आपकी एक होती है डीनॉर्मलाइजेशन। तो ये क्या होती है डीनॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन का उलट होती है, जब आप नॉर्मलाइजेशन करते हो ना, आपके डाटा रीड की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, मतलब सिस्टम थोड़ी सी देर लगाता है डाटा रीड करने में। लेकिन डीनॉर्मलाइजेशन जो है, मतलब ये होता है कि जब आपका लार्ज डाटा हो, मतलब अब इसके एक एग्जांपल कि आपका एक डाटा है, मिसाल के तौर पे अब ऑर्डर्स को देख लो। ठीक है ना, अब ये जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, सिंपल जवाब इसका यही है कि सर डीनॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन का उल्ट है, और इसमें ये स्पीड की परफॉर्मेंस को, मतलब सिस्टम की इस परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है, या डाटा रीड की स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। बस इतना सा जवाब है, लेकिन वो बाद एग्जाम्पल पूछते हैं। अब इसमें आपको ये एग्जाम्पल देता हूँ, मिसाल के तौर पर आपने एक डाटा रखा, जैसे अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैंने आपको कहता हूँ कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन एक टेबल में, यूज़र का जो कोर्स है वो एक टेबल में, यूज़र की यूनिवर्सिटी दूसरे टेबल में, यूज़र की जो है एडम कोर्स के आगे जो उसमें सब्जेक्ट्स हैं वो अलग टेबल में। ठीक है, बी एस है तो उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग टेबल में, मतलब हर चीज़ का मैंने अलग अलग टेबल बनाया हुआ है। अब ये होगा क्या कि जब मैं डाटा के इसको रीड करना चाहूँगा ना, तो मुझे सही लंबी चौड़ी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, उसमें मुझे कोई 5-10 टेबल्स आपस में मर्ज करने पड़ेंगे। अब वो जो क्यूरी अब जब कॉल होती है ना, तो उसको सिस्टम भी उस क्यूरी को मर्ज करता है, और फिर वो टाइम लगाता है, हर टेबल के अंदर से थोड़ा थोड़ा डाटा उठाता है, फिर ट्राफ वो आगे, तो इसमें टाइम लगता है। आप क्या करते हो, जब एक ही अगर सारा डाटा एक ही टेबल के अंदर सेव कर दो, तो वो होगा क्या, सिस्टम को पढ़ने में आसानी होगी, लेकिन आपका डाटा बेस बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों टेक्निक यूज़ होती हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स। क्यों होती हैं, आप इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बस ये नॉर्मल सी आपका है कि डीनॉर्मलाइजेशन होती क्या है। आपने कहना है कि ये डाटा के रीड की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। अब आपसे जो अगले क्वेश्चन, बस 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, इंशाल्लाह क्लास एंड है। आपसे ये सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन किए जाते हैं, ये तीनों जो अभी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तीनों के तीनों पूछे जा सकते हैं, या इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है कि DDL क्या होता है, या डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है ना, अब ये आपका डाटा डेफिनेशन जो लैंग्वेज है, ये आपके डाटा बेस का स्ट्रक्चर को बनाती है। सिंपल सीधा से जवाब दिया मैंने, ठीक है ना, कि DDL जो होती है ये डाटा बेस के स्ट्रक्चर को बनाती है। मतलब जो डाटा बेस आप क्रिएट करते हो ना, ठीक है, वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाई जाती है। और इसकी कमांड्स कितनी है वो आपके नीचे लिखी हुई है, इसकी 3 ही कमांड है कि डाटा बेस को क्रिएट करो, अल्टर करो, या डिलीट करो। मतलब डाटा बेस जो आपने बनाया, नया बनाना है तो क्रिएट की कमांड, अगर बना हुआ उसको रीनेम करना है तो अल्टर की कमांड, या उसके अंदर से कोई डिलीट चीज़ जोड़ानी है, और अगर आपने डिलीट करना है तो ड्रॉप की कमांड। आपसे ये पूछ सकते हैं कि DDL कमांड के नाम बताओ, तो आपने कहना है क्रिएट आल्टर डिलीट ड्रॉप, डिलीट नहीं होता, ड्रॉप होता है, क्रिएट आल्टर ड्रॉप, ये DDL की कमांड है। DDL होता क्या है, डाटा बेस के स्ट्रक्चर को बनाता है या डिफाइन करता है, या जो भी आपने कहना है। उसके बाद आपसे दूसरा जो क्वेश्चन है DML, ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये क्या होती है? तो ये आपके डाटा बेस को अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। डाटा बेस के अंदर डाटा बेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना, स्टोर भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, इसमें इस चार चीज़ें आती हैं। अगर कमांड की बात करें तो ये आपकी वही 4 कमांड हैं जो मैं हमेशा वेब के स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इन 4 कमांड को रट्टा लगा लो, इंसर्ट, इन टू, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट। ठीक है ना, ज़्यादातर कमांड भी पूछते हैं कि ये क्या है जी, मुझे बताओ, आपने यही कहना है इंसर्ट, इन टू, या सिर्फ इंसर्ट कह दो तब भी चल जाएगा, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट, ये DML कमांड्स हैं। होती क्या है, आपको बता दिया कि डाटा बेस के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए या मैनेज करने के लिए कह सकते हो। आखिरी आपकी होती है DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये आपकी लैंग्वेज जो होती है, ये आपके डाटा बेस को कंट्रोल करती है, या उसके सिक्योरिटी फीचर्स को कंट्रोल करती है। आप ये कह दो कि सर DCL जो है ये डाटा बेस के सिक्योरिटी फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। और कमांड्स कौन कौन सी हैं, ये आपकी 5-7 कमांड्स हैं, कमिट,
कनेक्ट ग्रांट रिवोक लॉक टेबल अनलॉक टेबल रोल बैक और रिमूव टेबल, बस दैट्स इट। तो ये आपके मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो आपके इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर। आपका ये वाइवा आधे घंटे का भी हो सकता है, आधे घंटे का तो तकरीबन मस्ट है मेरे ख्याल से, तो इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। कंफ्यूज नहीं होना, बस जस्ट आपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे देना। जो अगर कोई जवाब नहीं आता तो आप तुक्का मारने के बजाय सॉरी कह दें, लेकिन ये भी नहीं कि आपने हर एक के ऊपर ही कह रहे हैं नहीं सर ये तो मुझे नहीं आता, नहीं सर ये तो मुझे नहीं आता, तो फिर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट है। फेल तो नहीं करेंगे लेकिन आपके नंबर बहुत सारे कट जाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की है ख्वाहिश कि हमारा 4 out of 4 आए, और अभी तक उन्होंने काफ़ी अच्छा डिलीवर किया है, तो इंशाल्लाह ये वाइवा ठीक दोगे तो 4 out of 4 आपका मस्ट है, ठीक है ना। तो ये आपकी सिंपल सी बात है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें, मेरी तरफ से ये एंड है।